स्टडी से श्रीमद् भागवतम के 9 स्कंद पूरे हुए, स्वर्ग विसर्ग स्थान पोषण उत्तया मनोन्तर कथा 8वें स्कंद में, 9वें स्कंद में ईशान कथा, ठीक है, 10वें स्कंद आश्रय, फिर उसके बाद निरोध और मुक्ति, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे आज 7 दिन हो गया ना, तो आप लोग बड़ा आभार है कि आपने इतना आशीर्वाद दिया कि 7 दिन कथा कह पाए, और आप लोगों से प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद इस तरह बनाए रखें, क्योंकि जो 10वां स्कंद है कोई योग्यता नहीं है हमारी कि इस पर कुछ चर्चा करें। प्रभु जी और माता जी ने इस मेरे जैसे नव दीक्षित को इस सेवा में नियुक्त किया मेरे शुद्धिकरण के लिए, उनका बड़ा आभार है। हमारे पुनीत प्रभु हर बार की तरह इस बार मेरे आने जाने का पूरे से ख्याल रखते हैं, उनका बड़ा आभार है। आप लोगों से विनती है, प्रार्थना है, आपके चरणों में प्रणाम है कि आप अपना आशीर्वाद दें कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्र दशम स्कंद की कथाओं को कहने का कुछ सामर्थ्य मैं कर सकूँ। हमारे गुरु महाराज अशोक बाकी कुछ समय करते हैं, तो 9वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी ने जयकारा शेरा वाली का हरे कृष्ण। तो 9वें स्कंद के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की कथा को बोला, शॉर्ट बिल्कुल संक्षिप्त। तो महाराजा परीक्षित कहते हैं, महाराजा परीक्षित को लगा कि आगे बोलेंगे कृष्ण कथा आएगी, कृष्ण कथा तो बहुत शॉर्ट में ही हो गई है ना, बिल्कुल संक्षेप में बोल दिया। तो ध्यान देने वाली बात है कि महाराज परीक्षित कहते हैं, चूंकि सुखदेव गोस्वामी ने बहुत संक्षेप में कथा कृष्ण की क्यों कही, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि अभी तक इतने दिन हो गए हैं, अभी तक परीक्षित महाराज का कितना उत्साह है, कितना उनका इच्छा है, इसको जानने के लिए उनको शॉर्ट में बोला। तो परीक्षित महाराज तो कहते नहीं, कहते हैं कि भगवान की महिमाओं का लीलाओं का रसास्वादन तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको भौतिक जगत से आकर्षण बिल्कुल खत्म हो गया है, और दवा भी वही है ना। इस तरीके से परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने तो इतने संक्षेप में बता दिया, इसमें मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं मिली है, आप कृपया करके कृष्ण के बारे में कृष्ण कथा को विस्तार से कहिए, भगवान कृष्ण की एक एक लीलाओं को बिल्कुल कैसे कहिए, बिल्कुल विस्तार से कहिए, क्योंकि 9वें स्कंद तक मैंने सुना ही इसलिए है कि 10वें स्कंद का रस मुझे मिलेगा। अब आप
कृष्ण के बारे में मुझे विस्तार से बताइए, तो भगवान श्री कृष्ण शुरू में भी आया है कि लोगों को भ्रम ना हो जाए, क्योंकि कृष्ण की जो लीलाएं हैं इतनी चकित करने वाली हैं, भ्रमित करने वाली हैं कि लोग उनको समझेंगे नहीं। भगवान राम की सीधी सीधी लीलाओं पे तो उंगलियां उठ गई, तो कृष्ण पे तो फिर बहुत समस्या हो सकती है। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को हम अच्छे से समझ सकें, इसीलिए नौ स्कंद बोले गए, है कि नहीं? तो इस तत्व को समझना है सबसे महत्वपूर्ण चीज है। किस तत्व को? कृष्ण तत्व को। कृष्ण तत्व को नहीं समझेंगे और कृष्ण लीला में घुस जाएंगे तो समस्या हो सकती है। हमें ऐसा लग सकता है कि ये लीला तो मैं भी कर सकता हूं, क्यों ना मैं रास लीला करूं, है कि नहीं? ये नहीं लगेगा कि क्यों ना मैं पहाड़ उठाऊं, ये नहीं लगेगा क्यों मैं आग को खा लूं, ऐसा भी नहीं लगेगा सांपों के बीच में कूद जाऊं, ऐसा नहीं लगेगा। पर ये लग सकता है कि रास लीला तो की जा सकती है कि नहीं? बोलो हरि बोल, हरि बोल। तो ये भ्रम ना हो, है ना? इसीलिए शुरू से इस भ्रम को तोड़ने के लिए इतनी लीलाएं बताई गई हैं। इतने वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। सभी बड़े बड़े महाजनों ने आके स्तुतियां गाई हैं उन कृष्ण की, है कि नहीं? है ना? तो इतने सभी महाजन, ब्रह्मा, शिव सबसे सुना हमने, लक्ष्मी सबसे सुना है ना, तब जब हमें ये सुनने को आ जाएगा कि यार ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं, नारद ऐसा कह रहे हैं, स्वयं मनु ऐसा कह रहे हैं, कुमार भगवान के चरणों की तुलसी की गंध ले रहे हैं, है कि नहीं? शिव स्वयं क्या किए, उनके चरण के धोवन को कहां रखा है? तो ब्रह्मा शिव जिनके चरण के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा है, कमंडल में सबसे शुद्ध चीज रखी जाती है, सिर पे कोई एमआई किसी दूसरे के पैर का धुलन धोवन अपने सिर पे लेके नहीं घूमता। तो जब हम ये सब समझ लेंगे और कैसे भगवान ने सृष्टि की रचना करी, आचार्य बताते हैं कि जो सृष्टि है ये कृष्ण का साधारण जीव के प्रति प्रेम पत्र है। कृष्ण ने जीव को वापस भगवत धाम में लाने के लिए सृष्टि की रचना की है। तो इतना प्रेम कृष्ण हमसे करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा प्रपंच रचा, इतनी बड़ी सृष्टि रची कि हम इसको समझें कि हमारे सुहृदम सुहृद, हमारे सबसे बड़े हितैषी कृष्ण हैं और इस संसार में हमें सुख नहीं मिलेगा। इसलिए इतने बड़े बड़े राजाओं की कथा है कि सब भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन अंत में सब किसकी शरण ले रहे हैं? कृष्ण की। तो हम इसको समझें और कृष्ण का ये जो सृष्टि का जो लीला है उसको समझें। कहते हैं कृष्ण ने जीव से जो उन्हें प्रेम है उस प्रेम की वजह से उन्होंने इतना बड़ा किया। जब किसी का लड़का घर छोड़ के भाग जाए तो उस लड़के के प्रेम के वजह से माता पिता बहुत कुछ करते हैं, रिश्तेदार को भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों? कि हमारा लड़का वापस आ जाए, तो बहुत प्रयास करते हैं। और जहां भी वो रहता है वहां जो हो सके वो मदद भी भेजते हैं कि उसको वहां, भले हमसे अलग रह रहा है, हमसे रूठ के गलती से रह रहा है, लेकिन है तो हमारा बेटा, हम उसकी जरूरत की चीजें भेजेंगे। तो कृष्ण भेजते भी हैं और बीच में शिक्षा भी भेजते हैं, है कि नहीं? क्यों? ताकि जीव इसको समझे कि कृष्ण हमसे कितना प्रेम करते हैं
और हमारी तरफ वापस आने की चेष्टा करे। जो तुम धाए एक पग मैं धाऊं पग सा। तो जब हम इन सब लीलाओं को समझते हैं तब हमें पता चलता है कि कृष्ण कौन है, इसलिए इतने अवतार आए। और सभी अवतारों का स्रोत कौन है? कृष्ण। एते चांस कला पुंशां कृष्णस्तु भगवान से। इतने जो अवतार हैं सब या तो अंश हैं या अवतार हैं या अवतार के अवतार हैं, पर कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण की लीलाएं परीक्षित महाराज पूछ रहे। तो कहते हैं एक बार जब धरती पे इतना आतंक हो गया, पाप ही पाप बढ़ गया, उस समय भूमि देवी ने ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करी कि मेरे पापों को, जो मुझ पर जो पापी रह रहे हैं, जो इतना पाप का भार बढ़ गया है, इसको अब मैं और सहन नहीं कर सकती, आप कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता, शायद शिव करते। तो शिव जी के पास गए तो शिव जी भी कहते हैं कि मैं भी इस समय कुछ नहीं कर सकता, हमें किसके पास जाना है? विष्णु के पास। तो जो लोकल जो जगह है विष्णु की, क्षीर सागर, वहां पे जो लोकल ऑफिस है वहां पे जाके, क्षीर सागर के तट पे जाके ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, सारे देवता वहां पहुंच गए और ब्रह्मा जी उनके हेड थे। उन्होंने विष्णु से वार्तालाप किया, कैसे? वायरलेस, वहां पर टेक्नोलॉजी थी। तो भगवान, उन्होंने ध्यान किया, वहां से उन्होंने मैसेज दिया कि चिंता की बात नहीं है, सबको बोल दो कि मैं आने वाला हूं और सब समस्याओं का समाधान कर दूंगा, जैसा मैंने बोला है वैसा मैं करूंगा। और आप सब भी कौन? आप सब देवी देवता भी आइए, मेरी लीला में भाग लीजिए, आनंद लीजिए, है कि नहीं? तो सभी लोग आए। ब्रह्मा जी ने वही मैसेज एज इट इज सबको बता दिया कि आप सब, आप सब। अब वो तो कृष्ण ने बोला था आप सब, उस आप सब में ब्रह्मा जी भी आ गए, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने बोला आप सब आओ तो ब्रह्मा जी अपने आप को भूल गए, है कि नहीं? तो इस वजह से ब्रह्मा जी को बाद में समझ में आया कि यार मुझे भी जाना था। तो फिर ब्रह्मा जी को दुख हुआ कि मैं क्यों नहीं लीला में भाग ले पा रहा हूं, तो इसके लिए फिर स्पेशल लीला करी गई जो कि अभी आएगी आगे। तो भगवान ने इस तरीके से देवताओं को बात प्रॉमिस किया कि मैं आऊंगा। और फिर भगवान जो है माता देवकी के घर में आए। तो उस समय एक राजा जो उग्रसेन थे, उनका बेटा कंस बड़ा खतरनाक राजकुमार था वो। तो यही जो महाराजा यदु की हमने, ययाति के पुत्र यदु है ना, जिन्होंने ये कह दिया था क्या कि भगवत भक्ति के लिए युवावस्था मांगते तो मैं दे देता, लेकिन इंद्रिय भोग नहीं दूंगा, है कि नहीं? तो इन महाराजा यदु के वंश में जन्म हुआ महाराजा वृष्णि का, और उन्हीं के वंश में फिर आगे वसुदेव एक राजा थे, और इन वसुदेव का विवाह हुआ देवकी से जो कि कंस की बहन थी। तो देवकी को जब विवाह हुआ तो कंस की बहन थी, तो कंस ने कहा कि वैसे पालकी में जाना था, विदाई का समय था, विभक्ति थे, पर कंस ने कहा मैं अपनी बहन को बहुत प्रेम करता हूं, इसलिए रथ मैं चलाऊंगा, ये मेरा प्रेम है, मैं खुद सारथी बनूंगा, मैं खुद अपनी बहन को विदा करके जाऊंगा। तो विदा करने के लिए रथ पे बैठा और रथ को आगे बढ़ाया। आकाशवाणी हुई कि हे दुष्ट कंस,
हे दुष्ट कंस, मूर्खो तुम, महामूर्खो, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से लेके जा रहे हो, इसी देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा काल होगा। इसको सुन के कंस कहता, हरि बोल। कंस तो बिल्कुल ही यू टर्न मार गया। अभी तो वो मेरी बहन है, मैं रथ चलाऊंगा, मैं उससे प्रेम करता हूं, मैं विदा करूंगा, ऐसा सुना तलवार खींच लिया। जो अपनी इंद्रियों पर केंद्रित होता है ना व्यक्ति, ऐसे होता है खाली बाहर और मेरा भाई, मेरी माँ, ये सब बोलते हैं बड़ी बड़ी, अब मैं अपने भाई के लिए कर दूंगा, मैं अपनी माँ के लिए कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब अपना इंद्रिय भोग, अपने ही उसमें कुछ समस्या आई तो उसी माँ को गाली देंगे, उसी भाई से लड़ेंगे, पूरा वैसा नेचर जो रखते हैं वो कंस के साइड वाले है ना, वो कंस के साइड वाले। अच्छे लोग कौन है वो देखो आप। हमने भी कथा सुनी थी महाराज अम्बरीश की, जिसको मारने को उसके लिए करे इनकी रक्षा करो। प्रहलाद महाराज, भले उसके पिता ने बहुत कुछ किया पर कहते इनका भी उद्धार करो, है ना। ये भक्त का लक्षण होता है। तो कंस जब इस तरीके से मारने के लिए तैयार हो गया तो वसुदेव ने बहुत समझाया। अंत में क्या करते क्या नहीं करते, वसुदेव ने कहा कि भाई इनको मत मारो, इनसे तो कोई कष्ट है नहीं, कष्ट तो इनके पुत्र से है, मैं आपको उनका पुत्र ला के दे दूंगा, तो आप जो है उसको जो करना चाहे करिए। तो कंस ने कहा चलो ठीक है। तो इस तरीके से जो है उनको जेल में डाल दिया, उनका पहला पुत्र आया, उनको दिया कंस को। कंस कहता नहीं, आठवें से मेरे को समस्या है ना, आप ये क्यों लेके आए, इसको ले जाओ। तो नारद जी आए, तो नारद जी को लगा कि यार ऐसे करके तो बहुत टाइम हो जाएगा, भगवान कब आएंगे, जल्दी आना चाहिए। तो नारद जी ने कहा देखो कंस, है ना, तो बीच में आपने देखा देवासुर संग्राम में भी नारद जी असुर को जाके बोले, अरे तुम्हारे तरफ के सब मर रहे हैं, जाओ और बढ़ा दिया। यहाँ पे आए कहते कंस मुझे तो लगा तुम बड़े बुद्धिमान हो, क्या बात है। तो उसको इतना कमल का फूल दिखाया, तो ऐसे दिखाया कहते गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आठवां। उसको घुमा दिया, अब गिनो, तो दूसरे में आठ आया, फिर घुमा दिया, अब गिनो, बोले आठवां कौन। तो कंस को समझ में आया, बोला तुम जानते नहीं हो कंस, ये है विष्णु, ये कृष्ण है, ये मान लो तुमने गिनती गिनी इससे और मान लो इसने गिनती गिन ली उल्टी ना, मुझे लगा तभी से उल्टी गिनती सिखाने का कॉन्सेप्ट आया, स्कूल में सिखाते ना उल्टी गिनती, नहीं तो क्या जरूरत है उल्टी गिनती। तो कहते कंस मान लो कृष्ण ने उधर से गिन लिया, तो जिसको अभी अभी भेजा ना वही आठवां हुआ ना कि नहीं। यार बात तो सही है, तुम ही मेरे बंधु। तो कंस ने फिर मारना चालू किया, एक के बाद एक सबको मार देता था। देवकी वसुदेव के आंख के सामने उनके पुत्र को पत्थर पे पटक के मार देता था, खतरनाक तरीके से। कंस की तो फिर क्या हुआ, फिर इस तरीके से सभी लोग बड़े परेशान थे। कंस तो अपने पिता को भी जेल में डाल के राजा भी बन गया, पूरा अत्याचार। अब उसका 6 पुत्र मार दिए देवकी के, है ना। अब सोचो आप, हम सोचें कि हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, हमें एक भी कष्ट नहीं आना चाहिए जीवन में, लेकिन यहाँ देवकी हैं जिनको भगवान ने स्वयं वरदान दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, उनको इतना कष्ट मिल रहा है कि आंख के सामने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 के 6 पुत्रों को नवजात स्थिति में मार दिया। अब इससे ज्यादा कष्ट और क्या हो सकता है। तो हमें जो कष्ट मिल रहा है और देवकी माता को जो कष्ट मिल रहा है, कोई तुलना है क्या। तो कंप्लेन करने का अधिकार है क्या हमें, देवकी माता ने कभी कंप्लेन नहीं किया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
भगवान ने अपनी शक्ति को बोला माया को कि अब जो सातवां गर्भ आएगा उसको आपको, ये टेक्नोलॉजी उसी समय थी भगवान के पास, अभी हमारे भारतीय जगत के साइंटिस्टों के पास नहीं है। भगवान कहते हैं कि सातवें गर्भ को देवकी के गर्भ से निकाल के रोहिणी के गर्भ में ला रहे। रोहिणी उनकी वसुदेव की दूसरी पत्नी थी जो डर के मारे उधर रहती थी नंद बाबा के पास, है ना। तो वहां उनके घर में देना है ना, क्योंकि वो अगर तुम ऐसा करोगी, किसको बोला दुर्गा या माया को, किसने, कृष्ण ने। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जन्म से पहले कृष्ण थे, है ना। कहीं हमें लगे कि वो तो कृष्ण तो तब हुए जब जन्म हुआ, नहीं, कृष्ण अभी, इसीलिए इतनी लीलाएं हमने सुनी कि कृष्ण से विष्णु आए, विष्णु से कृष्ण नहीं आए, ये भ्रम अगर है तो। विष्णु से कृष्ण नहीं आए, कृष्ण से विष्णु आते हैं, पहले महाविष्णु, फिर गर्भदक्षाई, फिर क्षीरदक्षाई, तीन तीन विष्णु है कि नहीं। तो वही कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम ऐसा कर दो, अगर तुम ऐसा कर दोगी तो मैं तुम्हें स्पेशल पावर दूंगा। किसको क्या पावर दूंगा? मैं पावर दूंगा कि तुम, तुम्हारे पास जो भी आएगा तुम उसकी हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखोगी, और तुम्हारे नाम होंगे दुर्गा, अंबिका, चंडी, काली, ऐसे करके कई नाम बताए, वैष्णवी, है ना, वैष्णव माता। तो इस तरीके से भगवान ये भागवत में सिद्ध कर रहा है कि किसकी आज्ञा पे दुर्गा चलती है, माँ की, है ना। गीता और ब्रह्म संहिता में भी आता है कि जो सब कुछ करती है वो किसके कंट्रोल में रहती है, सृष्टि लीला में भी हमने देखा, है ना। तो भगवान ने इस तरीके से उनको आदेश दिया, उन्होंने जो है गर्भ को ट्रांसफर करके रोहिणी के घर में डाला, इस वजह से उनका नाम पड़ा संकर्षण, रोहिणी नंदन। इसके बाद अब आचार्य लोग बताते हैं कि कृष्ण को बुलाना इतना आसान नहीं है, यह है तत्व की बात। कृष्ण को बुलाना इतना आसान नहीं है कि हम बस कुछ भी करें और आ जाएं। यहां पे 6 पुत्र मरे हैं, तो जब हमारे हृदय से भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 के 6 मरेंगे तब कुछ सोचो, पहली बात। और उसके बाद क्या होगा, बलराम जी का आविर्भाव होना चाहिए। बलराम जी आदि गुरु हैं, जब वो आदि गुरु बलराम, पहले तो 6 चीजें हटाएं, क्लियर करें, और फिर बलराम जी की कृपा होगी। पहले आप खेत से सारी गंदगी हटाइए, खरपतवार जो भी है सब हटा दीजिए, फिर खेत की जुताई होती है। सही है, गलत है, मैंने खेती नहीं करी है कि नहीं। तो फिर खेत की जुताई होती है, फिर तो कुछ बात आगे बढ़ेगी। इसीलिए बलराम जी के पास क्या रहता है, हल रहता है। तो पहले ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कचड़े को हटाओ 6 के 6, और फिर गुरु कृपा चाहिए। वो बलराम जो गुरु हैं, वो बलराम जी की चेन है, उन्हीं की लाइन में है वो सब। तो उन बलराम जी की कृपा कैसे मिलेगी, गुरु के माध्यम से मिलेगी। कई लोग कहते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है, मैं हूं और भगवान है हमारे बीच में, और क्यों तीसरा क्यों, तो कैसे होगा। तो जब बलराम जी की कृपा मिलती है, जब गुरु की कृपा मिलती है, तो बलराम जी हल से हमारे हृदय में जुताई करके इसको कृष्ण के आविर्भाव के लिए रेडी बनाते हैं, तैयार करते हैं। बलराम जी की, है ना, बलराम जी को हल्के में ना लें, बिना बलराम जी के नहीं होने वाला कुछ भी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण और बलराम में इतना ही फर्क है, रंग का बस। तो फिर वो बलराम जी, इसलिए
छह पुत्र मरे, फिर साथ में बलराम जी आए और फिर जगह शुद्ध हो जाती है, फिर कृष्ण आते। तो जब कृष्ण आए, पहले आए वसुदेव के हृदय में और फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में। ये कोई भौतिक जगत में जैसे संतान की उत्पत्ति होती है वैसा कुछ भी नहीं है, ये दिव्य है। इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान गीता में कहते हैं जो मेरे जन्म कर्म को समझ गया उसको पुनर्जन्म नहीं है। तो भगवान कहाँ है पहले? किसके? वसुदेव के। फिर वसुदेव के हृदय से गए देवकी के हृदय में और फिर देवकी के गर्भ में। और जब ऐसा हो गया तो देवकी बिल्कुल तेज से भर गई, प्रकाश ही प्रकाश। कंस भी समझ गया इस बार लग रहा है आ गया है ना। तो देवता आए, बड़ा सभी देवता आए जेल में, भगवान को प्रार्थना किया, स्तुति किया कि हे भगवान आप सत्य हैं, सत्यम, आपने जो प्रॉमिस किया था आज पूरा किया, आप आ गए। इस तरीके से भगवान जो है हमारे हृदय में कब होगा उनका आविर्भाव? जब तो छह चीजें निकले, बलराम जी की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, फिर कृष्ण का आविर्भाव होगा। किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। गुरु ही हमें कृष्ण दिला सकते हैं। इस तरीके से जो है भक्तपुत्र कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण चंद्र उस मथुरा की जेल में एक पॉइंट समझाएंगे और उसके बाद आते हैं, ठीक है। तो भगवान अवतार, भगवान स्वयं प्रकट हुए, कृष्ण स्वयं गोलोक से आए, कोई उनमें भेद नहीं है, स्वयं कृष्ण आए। तो जब हम ये समझने वाली बात है कि जिस तरीके से हमें भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी होती है, हम जन्माष्टमी इतने अच्छे से मनाते हैं, चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, शास्त्र भी कहता है कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग के समय में कृष्ण अवतार कैसे होता है? नाम के रूप में। तो जब हम बोलते हैं कृष्ण तो अवतार हुए, भगवान प्रकट हुए, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, है ना, है कि नहीं? कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है। तो ये जब हम जप करते हैं तो जब हम कृष्ण बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम जप करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं और बार बार कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण वहां आएंगे। कृष्ण का नाम ही कृष्ण है, अंतर नहीं है। तो कृष्ण अब कली काल नाम रूप कृष्ण अवतार, तो कृष्ण तो तब भी प्रकट हो रहे हैं। तो क्या जो हमें जन्माष्टमी वाले दिन खुशी होती है, क्या वो हर दिन होती है? जब हम 16108 उतने बार हम बोलते हैं भगवान के नाम तो क्या हमें खुशी होती है? तो हमें इस भेद को मिटाना होगा अपने हृदय से कि नाम और नामी अलग अलग है। जब तक ये भेद रहेगा तब तक हृदय की जो छह गंदगियां हैं वो हटेंगी नहीं, क्योंकि नाम ही शुद्ध करेगा। छह तो दर्पण मार्जनम, जो हृदय का जो दर्पण का मार्जन सफाई होगी वो किससे होगी? हरि नाम से। तो हरि नाम में जो भेद हमारा, ये हमें विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण नाम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो जब भी हम कृष्ण बोले सुने वो जन्माष्टमी ही है हमारे लिए। इस भाव से हम आज से जप करें, यही श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हुए हम ये विराम देंगे। और कल जो है कैसे भगवान जो है ब्रज में आए इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की।